आप जानते हैं 1518 में कुछ ऐसा हुआ था कि लोग अचानक से ही हफ्तों तक बिना रुके नाचने लगे थे और फिर नाचते नाचते ही मर गए। जी हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? चलो तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। दोस्तों, आप शादियों में कितना नाच लेते हो? 4 घंटे, 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, है ना? पर फ्रांस के स्ट्रासबर्ग नाम के सिटी में लोग बिना मतलब ही कई दिनों तक नाचते ही रहे थे। इस इंसिडेंट को 1518 का डांसिंग प्लेग भी कहा जाता है। दरअसल हुआ ये था कि मिसेस ट्रॉफिया नाम की एक औरत अचानक से ही सड़क पर आकर नाचने लगी थी। वो औरत कुछ 5 से 6 दिन तक लगातार नाच रही थी। पहले तो लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन फिर 34 और लोग उसके साथ नाचने लगे। उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो बस बीच रास्ते में कंटिन्यूस नाच रहे थे। धीरे धीरे इसमें और भी लोग शामिल होने लगे, जहां अब उनका टोटल काउंट कुछ 400 हो गया था। वो सिनारियो बहुत अजीब था, जहां एक बार इंसान नाचने लग जाए फिर वो रुकता ही नहीं था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका अब क्या किया जाए। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में हो क्या रहा है। पर एक बात तो पक्की थी कि ये बीमारी कोई नेचुरल कॉज से नहीं हुई थी। फिर बाद में डॉक्टर्स ने ये क्लेम किया कि शायद ये हॉट ब्लड यानी उबलते खून की वजह से हो रहा होगा। तो अब पेशेंट्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने एक बड़ा स्टेज बिल्ड करने के लिए कहा, ताकि पेशेंट्स जितना मर्जी चाहे नाच ले और फिर थोड़े समय के बाद रुक जाए। लेकिन इसका असर कुछ उल्टा ही हो रहा था, जहां लोग इतने समय के लिए नाचने लगे कि उनकी बॉडी बहुत वीक हो गई और फिर वो मरने लगे। जी हाँ, क्योंकि एक मैराथन रनर भी इतने इंटेंस वर्कआउट में सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये तो फिर भी आम लोग थे। ऐसे कहा जाता है कि इस प्लेग में हर एक दिन 15 लोग मरते थे, और ये प्लेग करीब 3 महीनों तक चला था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग थकान के कारण बेहोश हो गए थे। डॉक्टर्स, अथॉरिटीज, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि असल में ये हो क्या रहा है, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस पर बहुत रिसर्च किया था, और उनके कुछ रिसर्च के मुताबिक ये प्लेग शायद फूड पॉइजनिंग से हुआ होगा, यानी खाने में कोई टॉक्सिक चीजें ऐड हुई होगी, जैसे किसी टाइप का फंगस होगा, जिसके कारण लोगों के दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए और फिर लोग बिन वजह नाचने लगे। पर आज भी साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि ये टेरिबल प्लेग किस वजह से आया था, और जिसकी वजह से ये डांसिंग प्लेग आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। वैसे दोस्तों, हम मिस्टीरियस इवेंट्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो अगर आपको किसी मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में पता होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।